सर नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? भैया आज आप लोगों के लिए ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं, ना ही आपने सोचा होगा ना ही आपने ये बिजनेस आइडिया देखा होगा। भाई आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं बिजनेस करने के लिए, एक बार आप लोगों को पैसा लगाना है और आप लोग लाइफ टाइम तक पैसे कमा सकते हैं, फिर आपको पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप लोग रिस्क फ्री बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसे करके आप लोग बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो। और ये ऐसा बिजनेस है कि मार्केट में अभी आपके इलाके में कोई नहीं कर रहा है, तो आप लोग ये बिजनेस करके बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और इससे पहले कहना चाहेंगे यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं इस बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों क्या है कि हर एक दुकानदार को अभी क्या है कि एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन का ज़रूरत है। तो भैया आप लोग अपने लोकल में दुकानदारों का प्रचार प्रसार करके बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो। आप लोग जो सोच रहे हैं उसके बारे में नहीं बताया हूँ। भैया ये जो आप लोग देख रहे हो ये है डिजिटल वॉकर। इसके माध्यम से भैया किसी भी बिजनेसमैन का किसी भी चीज़ का बहुत ही आसानी से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप इसे पीछे पीठ पे लगा करके कहीं भी पब्लिक प्लेस में जा सकते हैं, कहीं भी रोड पे घूम सकते हैं, किसी भी जगह पे ले जा करके अपना या फिर दूसरों का बिजनेस का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और ये दूसरा आप लोग देख सकते हो ये डिजिटल स्टैंड ही है, और इससे आप लोग कहीं भी एक जगह ले जा करके लगा दीजिए, रख दीजिए, आपका प्रचार प्रसार होता रहेगा, या फिर जो बिजनेसमैन है उसका भी प्रचार प्रसार इसके माध्यम से कर सकते हो। और ये तीसरा आप लोग देख सकते हैं ये है डिजिटल होलोग्राम फैन। भैया इसमें किसी भी बिजनेस को एक मतलब रियलिस्टिक लुक में दिखा सकते हो। तो भाई ये तीनों चीज़ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताते हैं कि कैसे आप लोगों को ये बिजनेस करना है और कैसे आप लोगों को कस्टमर मिलेंगे, पूरी जानकारी बताएंगे डिटेल्स के साथ। तो भैया देखिए, अगर कोई भी बिजनेस है उसका प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैया जब तक लोग जानेंगे नहीं ना तब तक आएंगे कहाँ से। तो इसका कमी भैया आप पूरा कर सकते हो। आपको क्या करना है कि मार्केट में जाना है, दुकानदारों से बात करना है कि भैया हम इस तरीके का बिजनेस शुरू किए हैं और इसमें आपके बिजनेस का प्रचार प्रसार करेंगे, लोग देखेंगे आपके बेहतरीन बिजनेस का वीडियो शूट होगा, उसमें फ़ोटो डलेगा, आपका एड्रेस पड़ेगा, मोबाइल नंबर पड़ेगा, तो वहाँ से देख करके बहुत सारे लोग आपके दुकान पे आएंगे, कॉल करेंगे, आपके बिजनेस का सेल बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने एरिया में दुकानदारों से जाकर के बात करिए, बहुत सारे कस्टमर पा सकते हैं। एक बार इसे स्टार्ट करके तो देखिए बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। शुरू में आप कम पैसे चार्ज करिए, जैसा आपका एरिया है, जैसा आपका इलाका है, 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000, 2500, जैसा मतलब आपका इलाका है उस तरीके से आप पैसे चार्ज करिए शुरू में। तो इस तरीके से बहुत सारे दुकानदारों के पास जा करके आप कस्टमर बना सकते हैं अपना, और उनका प्रचार प्रसार करके आप हर महीने बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो। अगर भैया आपको नहीं करना है तो ये जो हमने दिखाया आप लोगों को, आप लोग ले करके आइए, एक दो आदमी लगा दीजिए, वो लोग जा करके आपका प्रचार प्रसार करेंगे और आपको सिर्फ पैसे कमाना है। भाई ये बहुत ज़बरदस्त बिजनेस होने वाला है, क्योंकि देखिए एडवर्टाइजिंग का दुनिया बहुत बड़ा होने वाला है, और जैसे ही दुकानदारों को फ़ायदा मिलेगा एक को देखकर दूसरा दुकानदार आएगा। तो भाई बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। शुरुआत थोड़ा कम पैसे से करिए, क्योंकि नया चीज़ हो सकता है, बहुत सारे दुकानदार न जुड़े आपके साथ। तो भाई कम पैसे लगाइए, जैसे ही दुकानदार को फ़ायदा होगा ना ऑटोमेटिक दूसरा दुकानदार देख करके जुड़ेगा आपके साथ। तो भाई ये बहुत बढ़िया बिजनेस होने वाला है, शाम को ले जा करके आप कहीं भी लगा सकते हैं, या फिर दिन में कहीं भी आप इसे ले जा करके आप रोड पे घूम करके, आसपास के जगहों पे घूम करके, मार्केट प्लेस में घूम करके अपना ये प्रचार प्रसार दुकानदारों का करिए। ये मस्त और ज़बरदस्त बिजनेस होने वाला है। ऐसा बिजनेस मैं पहले ही बताया कि भैया कोई नहीं कर रहा। तो भैया इसी बात पे ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना।